हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश कुमार, स्वागत आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है दिनेश टीप। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वृद्धा पेंशन का पैसा जो आना चालू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, वृद्धा पेंशन जो पाते थे काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि उनका पेंशन कब आएगी, लेकिन अभी जो है सरकार जो सभी खाते में वृद्धा पेंशन का पैसा डालना शुरू कर दिया है। लेकिन उससे सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपनी KYC कंप्लीट करा लीजिए ताकि पेंशन आने में कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी वृद्धा पेंशन पा रहा है तो आप जाकर अपना पहले खाता चेक कराइए कि आपका खाता जो है किस बैंक से DBT के माध्यम से लिंक है। अभी का जो पेंशन का पैसा आ रहा है वो DBT के माध्यम से आ रहा है, अकाउंट नंबर से नहीं आ रहा है। पहले जो पैसा आता था वो आपके अकाउंट नंबर से आता था, आपने जो भी अकाउंट नंबर दिया था उसमें पैसा आता था। लेकिन अभी जो है आधार कार्ड जिस भी बैंक में आपका DBT के माध्यम से लिंक है पैसा उस खाते में आ रहा है। इसलिए आप पहले ये चेक कराइए कि आपका जो है किस बैंक में आपका DBT लिंक है, पैसा उसी खाते में जो है गया होगा। और अपनी KYC कंप्लीट करा लीजिए ताकि पेंशन आने में कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आपका पेंशन अभी तक नहीं आया तो घबराने कोई बात नहीं है, इस महीने के आखिर तक सभी के पेंशन जो के खाते में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और जो अभी पेंशन का पैसा आ रहा है वो DBT के माध्यम से आ रहा है, इसलिए आप सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका जो आधार कार्ड किस अकाउंट में बैंक खाते में लिंक है। और अगर आपने KYC अभी तक नहीं कराई है तो आप अपनी KYC कंप्लीट करा लीजिए ताकि आपका पेंशन का पैसा आने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो बस दोस्तों, बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।